जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त सदीक सागर। विनिस म्यूज़िक स्टूडियो में दोबारा खुशामदीद कहते हैं तमाम देखने और सुनने वालों को, तमाम देखने और सुनने वालों के लिए। आज एक नए प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाज़िर हुए हैं और आज का भी प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही दिलचस्प मेहमान हैं और उनके साथ दिलचस्प बातें भी होंगी। और म्यूज़िक का प्रोग्राम है तो म्यूज़िक भी हम उनसे सुनेंगे। उनके हमारे साथ कुछ कव्वाल मौजूद हैं और ख्वाजा ग़ुलाम फरीद से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से वो आए हैं, तो उनसे चलते हैं, उनसे बातें करते हैं और फिर उनसे हम कुछ सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुल्फ़कार फरीदी साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है सर, आप सुनाए, सब खैरियत है? मैं ठीक हूँ सर, अल्लाह का करम। आने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सर? नहीं नहीं, माशाल्लाह हम खैरियत से पहुँच गए हैं। अच्छा हाँ, और सुनाइए कि आप पीछे कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हमारा ज़िला जो है रेमेर खान, तहसील खानपुर। अच्छा, फतेहपुर कमाल। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सॉन्ग और कवाली और इन सब चीज़ों में जो आप आए हैं और इसमें माशाल्लाह आपका एक बहुत नाम है और काफ़ी टाइम से हम आपको हम सुनते भी आ रहे हैं, ये माशाल्लाह आप अच्छा एक गाते हैं, अच्छा एक आपकी आवाज़ है, अल्लाह ने एक अच्छी आवाज़ से आपको नवाजा है। ये आपकी तो मोहब्बतें हैं सर ये आपकी मोहब्बतें हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मोहब्बत ही होती है, इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत बाँटता है तो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले तो हम आपसे एक सवाल ये पूछेंगे कि आपको विनिश म्यूज़िक स्टूडियो में आके कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा। ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं हैदर, वसीम हैदर साहब और अरबाब अफरीदी साहब, ये आप अरबाब अफरीदी साहब, ठीक है। अच्छा ये जो है ये आपके शागिर्द हैं? ये शिरकत भी है और भाई भी है और ये मेरा बेटा है। अच्छा माशाल्लाह, अरबाब फरीदी मेरा बेटा है। अच्छा जी जी, तो ये जो हमारा काम तो है खानदानी काम है, हमारा दादा बाबा परदादा यही काम करते थे और करते भी हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, उनका नाम है सरैकी। अच्छा, ख्वाजा ग़ुलाम फरीद के कवाल भी है वो, और दादे बाबे से हमारा यही काम है, निस्बत हमारी यही है ख्वाजा ग़ुलाम फरीद की। अच्छा, आप यही चीज़ें मतलब यही कवाली गाते हैं और कवाली के अलावा? जी जी, बस यही काम करते हैं। अच्छा। और वैसे तो शौक से तो गीत भी गाते हैं। अच्छा जी जी, तो ये बताइए कि कवाली जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती है या जो सॉन्ग गाना होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है? सर कवाली की अपनी जगह है और गाने की अपनी जगह है, वो होता है सुनने वालों का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है नाज़रीन, जैसा कि अब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है सूफ़ी कलाम हो गए, नातें हो गई, सॉन्ग हो गए, मुख्तलिफ सैड हैप्पी हर तरह के म्यूज़िक जो है, वैसे तो देखा जाए तो म्यूज़िक की एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो उसमें जो है काफ़ी लोग जो है वो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग एक टेस्ट होता है हर इंसान का कि कोई कुछ सुनता है, कोई कुछ सुनता है। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हमारे मेहमान हैं, इनसे हम कवाली भी सुनेंगे, इनसे हम सॉन्ग भी सुनेंगे, और क्योंकि जितनी हमारी ऑडियंस देखने वाली है उनमें साफ ज़ाहिर है कवाली तो वैसे जितने भी हमारे पाकिस्तान के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं सब पसंद करते हैं कवाली को, क्योंकि एक बहुत ही अदबी और उसमें आती है। तो चलते हैं आज इनसे जो है कवाली की पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पहले जो है एक कवाली हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम का जो शुरुआत है उसको जो है ना एक कवाली से अगर स्टार्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत मज़ा आएगा। तो ज़ुल्फ़कार फरीदी साहब जी, जी हमें कवाली में आज क्या सुनाएंगे? हम पहले पहले हुज़ूर की नात सुनाएंगे सुभान अल्लाह, तो उनके बाद जैसे आप कहेंगे जैसे अच्छा लगे, मौला अली की शान, बिल्कुल बिल्कुल आरफाना कलाम, ये हम ख्वाजा ग़ुलाम फरीद के कलाम सुनाएंगे आपको। ठीक है, तो ठीक है सर, बिस्मिल्लाह कीजिए और हमें हमारी ऑडियंस भी इंतज़ार में बैठी हुई है कि हम आपसे सुने। ठीक है भाई, एंजॉय करें, इजाज़त।
कमाल दिखाया है सब कुल कैनात दे कुदुसियां को ताहा दा ताज पवाया है नाशा देश को रमज लजी ओ बने आप मोहम्मद आया है ना महल मुरब्बे ना मिले दा कम ना सोना ना चांदी ना सिले दा कम नबी दी महफिल जफर सजावे पैसे का कम नहीं है दिल का कम मनो खुशी या खुशी का हवार आने मनो खुशी या खुशी का हवार आने एक कुल नबी
माशाल्लाह जबरदस्त आपने कव्वाली सुनाई है और हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में आपने इतना प्यारा कलाम पढ़ा, इतनी प्यारी एक आपने कव्वाली गाई, तो और ऑडियंस ने भी यकीनन बहुत ही उनको भी अच्छी लगी होगी, और क्यों ना लगे यार, एक हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी खूबसूरत लफ्ज़ों में उनकी तारीफ़ और उनके बारे में इतना कुछ बयान हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि देखें, जो इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत करता है ना, तो वो जो आवाज़ है ना, वो अंदर से निकलती है इंसान के। बिल्कुल सही बात है। और यकीन माने कि जब आप गा रहे थे, जब आप ये सब चीज़ें सुना रहे थे, तो वो एक फील आ रहा था, मज़ा आ रहा था कि यार एक चीज़ जो है ना, वाकई एक अंदर से जो है एक चीज़ निकल रही है। तो मैं एक चीज़ एक पूछना चाहूँगा कि आप ये जो कव्वाली है जी, इसकी शुरुआत आपने कब की और कहाँ से की? सरकार मुझे थोड़ा अर्सा हुआ तकरीबन, वैसे तो मैंने आपको पहले ही अर्ज किया है जो मेरे दादे बाबे का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को हो गया तकरीबन 7-8 साल हो गए। अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जब मतलब के शुरुआत में ये होता है कि माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई ऐसी पोस्ट पे आएँ, तो क्या ऐसी ख्वाहिश कोई आपके माँ बाप के लिए भी रही थी या उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आपने जो है ना एक कव्वाली बनना है? सर मेरे बाप की बड़ी तमन्ना थी और ये कव्वाली की। अच्छा। और उन्होंने मेरे को ये भी बोला अभी आप तालीम करो, मैं बच्चा था तो उन्होंने मेरे को बोला भी तालीम करो तो। अच्छा सर, हम यही इन्हीं बातों का सिलसिला फिर दोबारा से यहीं से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। नाजरीन, वापस यहीं से हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आते हैं ऐसे फटाफट, और फिर हम यहीं से हम अपनी बातचीत अपनी जो भी है आगे की फिर शुरुआत करेंगे। तो जाइएगा मत, देखते रहिएगा विनिश म्यूज़िक स्टूडियो, आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, जी वेलकम बैक नाजरीन, विनिस म्यूज़िक स्टूडियो में दोबारा वेलकम करते हैं। दोबारा से हम उसी बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, हम अपने मेहमानों से और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कुछ सॉन्ग हैं वो भी सुनेंगे। तो चलते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ और उनसे फिर से दोबारा से वहीं से सवाल कंटिन्यू करते हैं। तो हम जो सवाल आपके साथ कर रहे थे वही जो कि आप यानी कि आपके अम्मी अब्बू या इस तरह की उनकी एक ख्वाहिश होती है ना, जी जी, तो उसी के ऊपर हम थे। तो मेरे वालिद साहब की यही तमन्ना थी, हम 5 भाई हैं माशाल्लाह, तो उनकी ये तमन्ना थी यार मेरे बेटे जो हैं ये कव्वाल बन जाएं। और उन्होंने हमारे को ये हारमोनियम भी सिखाया था, हम बच्चे थे तो हमारे को शौक नहीं था उस टाइम, वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे तो फिर हम दूसरे दूसरे काम करने लग गए। तो फिर एक दिन मेरे को याद आई यार वो अब्बा जो करता था ये काम, तो भाई करना चाहिए, तो फिर इसलिए हम ये काम कर ले हैं। सही, बस उनकी दुआ है। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखें माँ बाप की दुआएं और आपके उस्ताद। हमारा जो उस्ताद था वो उस्ताद तवक्कल खान किशर गए थे। अच्छा। उस्ताद हमारा जो था उस्ताद फैज मोहम्मद साहब। अच्छा। उनका नाम उस्ताद जान मोहम्मद साहब, उनका नाम उस्ताद जान मोहम्मद। जी जी। अच्छा, आपके उस्ताद थे। जी जी, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि जिनसे आप ये सीखे, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा एक सीखे हैं, तो उस उनके पास आपको कितना टाइम वहाँ पर आपको लगा सीखने में ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रही हैं। मैंने आपको ये गाते हुए और इस तरह ये सब चीज़ें बजाना भी, गाना ये सब चीज़ें बहुत यार मुश्किल होती है। एक शायरी भी आप जहन में रख के चलो, फिर हारमोनियम भी बजाओ, सब चीज़ों को एक कवर करो, मैं सारी चीज़ें देख रहा था, तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए भी तो एक वक्त एक टाइम लगा होगा, क्योंकि ऐसे तो बंदा कोई भी नहीं गा सकता। बिल्कुल सही बात है भाई,
वो हमारे उस्ताद जब आए थे ना हमारे पास 10 दिन के लिए, अच्छा, तो वो हमारे को जैसे बच्चे को तालीम दी जाती है अलिफ से, बिल्कुल, तो उन्होंने ये हमारे को ऐसे बताया था सारे गामा पा धा नी सा, तो हम ये हारमोनियम पे बजाते रहे। और मसला तो घर का था, और मेरे चाचू हैं, मामू हैं, सब यही काम करते हैं। तो फिर मैंने उनको देखा भी हाँ ठीक है। फिर मेरे मामू हैं इकबाल अहमद फरीदी उनका नाम है, और माशाल्लाह रहीमियर खान में बहुत वो अलग किस्म के कवाल हैं, हमारा ग्रुप है। अच्छा, तो उनके साथ मैं ज़्यादा चला, अभी भी हैं वो। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो है कभी ज़िंदगी में मोहब्बत, इश्क, प्यार, इस तरह की चीज़ें भी तो हुई होंगी, क्योंकि देखें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैं पहले भी एक मेहमान से मैंने ये सवाल किए थे, क्योंकि देखें ज़िंदगी में तो ये हर इंसान के आता ही है, ये सब चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ज़िंदगी है और जवानी बुढ़ापा इस तरह की चीज़ें, और जब इंसान इतना सफ़र करता है तो ज़िंदगी में कोई हम सफ़र भी मिल जाता है, तो ऐसे रिश्ते टूटते भी हैं, बनते भी हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी कहानी रही होगी? हाँ बिल्कुल, हो ही है भाई, ये नई बात तो नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। भी अगर कोई भी काम है, काम है, किसी से दिल लग जाता है तो कोई किसी का किसी के साथ लग जाता है, तो ये तो मसले होते हैं ना भाई। कहते हैं ना दिल की लगी कुछ ऐसी लगी, ऐसी लगी तो हम दिल से गए, दिल हमसे गया। वाह वाह वाह, तो ये तो काम है ना। तो फिर वो दिल लगी जो है, दिल लगी रही या दिल नहीं? वो तो है सर, दिल लगी तो है ना, दिल लगी है तो अभी जी रहे हैं ना। अच्छा, हाँ दिल लगी नहीं होती तो फिर हम कभी दिल टूटा भी होगा। हाँ टूटते भी हैं, फिर जोड़ भी जाते हैं। कहते हैं ना जो कितनी बार टूटा दिल, कितनी बार टूटा। देखो सारा ये आप तो क्या बताएं आपको। नहीं ऐसा होता है ना कि देखें कुछ लोग होते हैं उनका दिल बार बार टूटता है। नहीं, नहीं हमारा बार बार नहीं टूटा, ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, तो इतना तो मतलब कि आपको गिनती याद होगी कि इतनी बार मेरा हमारा दिल टूटा है। नहीं सर, बस एक दो मर्तबा हो गया। अच्छा, हाँ तो अभी रब का शुक्र है, बहुत एहसान है मालिक का। अच्छा, अगर मतलब कि उन जब दिल टूटा था उस वक्त भी तो कुछ ऐसा आपने आपके जहन में आया होगा, और आपने कुछ ना कुछ ऐसा गाया भी होगा। ये तो हो ही नहीं, हाँ, सकता कि आपने कुछ ना लिखा हो और कुछ ना इस तरह का किया। बिल्कुल वो हैं, हम गाते हैं, वो भी हम पेश करेंगे आपको जी। और मैं चाहूँगा, हमारी ऑडियंस भी चाहेगी कि दिल टूटने पे जो है कौन सा, किस तरह का जो है इनके दिल से आवाज़ निकली और उन्होंने जो शायरी बनाई होगी, जो गाना गाया होगा, वो हम जो है ना आज इनसे सुनते हैं। और मैं समझता हूँ, मुझे तो यार बहुत मज़ा आ रहा है, चलते हैं हम इनसे जो है ना अब वो सुनते हैं। तो शुरू कीजिए जी, आज हम जो है ना। ठीक है सर।
बात है, जबरदस्त सर, जबरदस्त, मजा आ गया सुन के। दिल किसी का तोड़ना अच्छा नहीं, बिल्कुल नाजरीन, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो मुखलिस हो के करें, इस तरह से मत करें कि इस तरह से फिर जो है दर्द निकल के फिर इस तरह से ऊपर तक जाए और फिर तकलीफ हो। तो क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान जब दिल से जब किसी के आह निकलती है ना, तो वो अर्श तक जाती है। तो किसी के साथ जब हम गलत करते हैं तो फिर वो गलत जो है ज़िंदगी में पलट के ज़रूर आता है। तो किसी के साथ अच्छा मतलब बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के लिए ही बनाया। तो यकीन माने कि मुझे तो बहुत यार मज़ा आया, बहुत खुशी हुई, और सुन के मैं तो बस खो गया उसमें ना। शुक्रिया। तो ये जो शायरी है, ये शायरी आपने मतलब कि कैसे आपके जहन में आई, तकलीफ में, दर्द में रोते हुए, या इस तरह? ऐसा मुझे तो ऐसा फील ऐसी आ गई, तो फिर इसलिए तो हमने ये करना था ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंसान जब एक दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, तो ऐसी शायरी, ऐसी चीज़ें, ऐसी आवाज़ तभी इंसान के निकलती है। वो कहते हैं ना कि इंसान जो है जब बुरे के साथ चलता है तो उसको अच्छाई का पता चलता है कि अच्छाई क्या है, क्योंकि उसके साथ बुरा होता है, ठीक है, बुराइयों में जब वो ढलता है, तकलीफ़ों से गुजरता है, तो तभी उसको जो है तकलीफ़ों का भी और इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये एक दुनिया का एक दस्तूर है जो चलता आ रहा है। अगर किसी के साथ बुरा नहीं होगा तो उसको बुराई का पता ही नहीं होगा कि बुरा होता क्या है। अगर अच्छा नहीं होगा तो अच्छाई का ही पता नहीं चलेगा कि अच्छाई होती क्या है। तो ये अच्छाई बुराई एक दूसरे को समझाने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनी हुई है। तो अच्छा, मुझे तो अब जो है ना दिल चाह रहा है कि मैं बस सुनते ही जाऊं, सुनते ही जाऊं आप लोगों को। शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आपको इस मतलब के फील्ड में, मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, कितने साल हो गए होंगे? सर मैंने आपको बताया है, मेरे को तकरीबन हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में तकरीबन आपने कितनी शायरी और कितना, और दिल भी 7-8 साल पहले टूटा या नहीं? वो तो पहले टूटा था ना, अभी तो नहीं टूटा है ना, क्योंकि उसके बाद ही आपके अंदर ये आवाज में चेंज और ये सब चीजें आई होंगी ना, क्योंकि इंसान उसके बाद ही सही बात है। देखें, इंसान की जो आवाज है, उसका चेहरा है, आप जब गा रहे थे ना, तो देखने वाला तो यार एक उसको जो है ना ऐसा लगता है कि हम बाहर से खुश बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर हम कितनी तकलीफें, कितनी सारी चीजें पाल के बैठे होते हैं या सोच के बैठे होते हैं, वो हम जानते हैं। कि हम जो है ना लोगों के सामने एक स्माइली फेस रखते हैं कि यार किसी को इस चीज़ का इल्म ना हो। वो कहते हैं ना कि इंसान जब एक कुछ खा पी के नहीं आता है, भूखा बैठा होता है, तो किसी और को पता नहीं होता, उसको पता होता है, ठीक है। इसी तरह तकलीफ़ें भी जो होती हैं वो सिर्फ इंसान को ही पता, उसी को पता होती हैं, किसी और को नहीं होती हैं। तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा से नाज़रीन हाजिर होते हैं। देखते रहिए विनिस म्यूज़िक स्टूडियो। वेलकम बैक नाज़रीन, विनिस म्यूज़िक स्टूडियो में दोबारा हाज़िर हुए हैं, और हम दोबारा अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं, दोबारा वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, और म्यूज़िक का और जो हमारी गुफ्तगू है उसका सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जी। तो हम जो है ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि ऑडियंस भी इंतज़ार कर रही है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, और मैं समझता हूँ कि हम जो है कुछ और भी आपसे सुने, और कोई एक और भी हो जाए कुछ ऐसा ऐसा हो ऐसा दर्द उठता है, दर्द उठता है तो बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ तो दर्द उठता है, भूल जाऊं से रोज ये बात भूल जाता हूं, दर्द सह कर भी तेरा, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए
सर ज़बरदस्त कमाल, दर्द सह कर भी, क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन आपको भी दर्द हुआ होगा क्योंकि बात दर्द की हुई है। तो अब जो है मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का हमारा थोड़ा सा टाइम रह गया और मैं चाहता हूँ कि इस जाते जाते जो है हम इनसे एक और भी जो है सुनते जाएं, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आप भी साफ ज़ाहिर है आप लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि अब जो है ना कोई इनसे मतलब कि अपने प्रोग्राम की जो है ना हैप्पी एंडिंग करें, ठीक है। दर्द तो बहुत हो गए तो हम जो है ना एंड जो है अब कोई हैप्पी करते हैं और इनसे कुछ हैप्पी सुनते हैं, कोई जो खुश नुमा सा कुछ जी। तो अब जो है ना कोई हमें दर्दों से बाहर निकाल के हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हैप्पी सॉन्ग या हैप्पी कोई सराइकी है या जो भी है, जो भी आपको पसंद है, जो आपका फेवरेट हो, क्योंकि माहौल ऐसा जो बनता है तो इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी खुशी का भी लम्हा आता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है ना हमारा एंड जो है ना वो खुशी पे ही हो और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में जो है खुशियाँ भर दे। मेरी दुआ है कि किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई दुख ना हो। तो चलते हैं हम इनसे एक और जो है कोई हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं और आप भी हैप्पी हो जाएं और हम भी हैप्पी हो जाएं जी।
ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त कमाल, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो नाज़रीन, आप लोगों को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और हम विनिस म्यूज़िक स्टूडियो जो है आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसी के साथ नाज़रीन हम इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे फिर नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।